going to share how I remove my facial hair slash how I shave my face. I shave my face and मैं इसे पास 2 years से कर रही हूँ and I don't see any difference ना ही मेरे hair growth में ना ही मेरे hair के thickness में. Now I really prefer face shaving than any other technique. Facial जो shave करना है personally मुझे बहुत पसंद है because why? First तो ये painful बिल्कुल भी नहीं है. Second is it's very easy to use. Like आप खा रहे हो कुछ कर रहे हो you can shave your face. आप कहीं भी जा रहे हो you can shave your face. And third and important point is it exfoliates स्किन सेल. फोर्थ पॉइंट इज आपका फाउंडेशन या फिर मेकअप कह लो आप कुछ भी कह लो आपका स्किन पे एकदम यू नो ब्यूटिफुली ब्लेंड हो जाता है. इट्स ट्रैवल फ्रेंडली गाइज. लाइक इसका जो कैप है ना इट्स नॉट गोना मूव एनी वेयर. इफ यू कैन सी इट हैज अ लिटिल लॉक राइट हियर लिटिल क्लोजर जो आप यू नो इट्स लाइक वेरी convenient and it's not gonna move anywhere. And second thing is इसका grip, it has like very firm grip. तो आपको ना आराम से आप अपना facial hair को remove कर सकते हो. Now ये जो है ये नो stainless steel से बनता है तो आपको नो cut होने का कोई भी chances नहीं है and बहुत ही smoothly ये skin पे glide होता है. Do is what you have to do is आपका जो facial growth है वो डाउनवर्ड होता है. सो कभी भी आप अपना रेजर को अपवर्ड डायरेक्शन पे मत चला रहा. ऑलवेज यू हैव टू गो लाइक हेयर के डायरेक्शन पे. लाइक जिस तरह आपका हेयर डायरेक्शन है उसी तरफ आपने कट करना है अगर आपको समझ में आ रहा है तो. सो मेरा हेयर डायरेक्शन मैक्सिमम हेयर डायरेक्शन जो होता है स्किन का फेस का वो डाउनवर्ड होता है. ठीक है. सो आपको इसे डाउनवर्ड की तरफ आपको मूव करना है यानी कि चलाना है. नाउ सेकंड टिप इज आपको अपना फेशियल रेजर को ना कभी भी ऐसे मतलब फेस के एकदम डिरेक्ट ऐसे नहीं पकड़ना है. ऐसे कट हो सकता है थोड़ा सा एंगल में रखना है एंड यू हैव टू गो लाइक बैक एंड फोर्थ ताकि जो हेयर है वो इजीली रिमूव हो जाए. एंड यू नो बैक एंड फोर्थ जाने से जो जो छोटा छोटा हेयर होता है ना वो भी रिमूव हो जाता है वो भी निकल जाता है. तो दैट्स द वे आपको बस ऐसे रखना है 45 डिग्री एंगल पे इफ यू कैन सी एंड देन आपको इसे डाउनवर्ड मोशन पे ऐसे बैक एंड फोर्थ करके को फेशियल हेयर को रिमूव करना है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज आपको अपना फेस को ना स्ट्रेच करना है. जब आप फेस शेव कर रहे होंगे आपको अपना स्किन को ऐसे स्ट्रेच करना है अदरवाइज कट होने का चांसेस है. सो नेवर एवर गो लाइक दिस. एक हाथ से नहीं होगा. यू हैव टू स्ट्रेच योर स्किन लाइक अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच कर लो एंड देन गो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ऐसे करके. फोरहेड में अगेन सेम स्टेप आपको बस थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन पे थोड़ा स्ट्रेच करना है एंड यू हैव टू गो लाइक इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. नीचे वाला पार्ट है इट्स वेरी सेंसिटिव. सो व्हाट आई डू आई जस्ट रिमूव द एक्सेस हेयर. स्ट्रेच करती हूँ मैं स्किन को एंड देन मैं इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ऐसे करके शेव करती हूँ एंड इट्स एक्चुअली इजी टू डू. एंड नेक्स्ट पार्ट है आपको बीच का हेयर जो है उसे रिमूव करना होता है. नो व्हाट यू कैन डू इज आपको इसे पूरा स्लैंट ऐसे नहीं बिठाना है. आपको थोड़ा सा इसे यू नो एंगल पर रखना ताकि जो टिप है वो काम कर सके एंड पूरा आपका जो हेयर है वो रिमूव ना हो जाए. फॉर द अपर लिप यू हैव टू स्ट्रेच योर अपर लिप लाइक दिस एंड यू हैव टू अगेन गो लाइक इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बोथ साइड पे. अब चिन की बात करो तो अगेन आपको सेम टंग के हेल्प से स्ट्रेच करना है लाइक दिस एंड देन आपको इसे डाउनवर्ड की मोशन पे आपको इसे शेव करना है. आफ्टर शेविंग व्हाट आई डू इज आई जस्ट वॉश माई फेस विथ कोल्ड वाटर एंड दैट्स प्रीटी मच इट. मैं कोई भी यू नो फेस वॉश ऐसा कुछ यूज नहीं करती हूँ. आफ्टर दैट आई जस्ट मॉइस्चराइज माई फेस. आप कोई भी अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत ड्राई फील हो रहा हो तो.